हे बडी, दिस इज चंद्र। और अब तक हमने बहुत से कंटेंट चैनल पे क्रिएट करा है, जिसमें से हमने कई से वीडियोस को डिबंक करें। बट आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इसमें हिंदू धर्म में मल्टीवर्स, पैरेलल और टाइम से रिलेटेड थ्योरीज की बात की जा रही है, जो कि आज के साइंटिफिक थ्योरीज में भी बहुत से वैज्ञानिकों को कन्फ्यूज रखती है। बट यार, यहाँ देखने वाली चीज़ जो है वो ये कि ये रिलीजियस टेक्स्ट बुक के इन्फॉर्मेशन को फैक्ट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। आज फिजिसिस्ट भले ही साइंस पे रिसर्च कर रहे हो, इवन रॉजर पेनरोज या फिर कार्लो रोवेली या फिर ली समोलिन, इन सभी के पास अपनी अपनी थ्योरी ज़रूर हैं, बट वो इसे फैक्ट की तरह प्रेजेंट नहीं करते, वो इसे अपना ओपिनियन की तरह बताते हैं। क्योंकि मैं जिस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, मेरे मैथमेटिकल मॉडल्स मुझे ये कुछ ऐसा बता रहे हैं कि टाइम यू कुछ इस तरह से बिहेव करता है, या फिर टाइम यू कुछ इस तरह से बिहेव करता है। बट पीपल लाइक दिस, दे आर लाइक, हे, हमें सब कुछ ऑलरेडी पता है, हमारे वेदास में ऑलरेडी ये सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग लगता है। बट कोई ना, हम इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि मेरा इस वीडियो पे क्या टेक था। आगे बढ़ जा भाई। वैज्ञानिक हिंदू धर्म की जितनी गहराई में जा रहे हैं, उतने ही हैरान होते जा रहे हैं। समय, ओ भाई, मेरे को तो अभी तक ये आचार्य अग्निव्रत और उनके फॉलोअर्स से रिलेटेड दूसरे बंदे कोई दिखे ही नहीं जो इस चीज़ पे एक्चुअली रिसर्च कर रहे हो। क्योंकि आई ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑन फेसबुक जो एक्चुअल रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड उन्होंने जिन चीज़ों पे रिसर्च करा वो सभी मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। रही बात अग्निव्रत की, तो ऐसे लोग जिन्हें क्वेश्चंस पूछना रहता है कि हाँ भाई, मेरे सवालों के जवाब कोई नहीं दे सकता। अभी कुछ दिनों पहले, आई थिंक 21 जून को एनुअल स्ट्रिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें वर्ल्ड फेमस सभी स्ट्रिंग थ्योरिस्ट आए थे। उनमें इन्हें जाकर सवाल पूछना चाहिए था ना। वहाँ तो मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं दिखा जो इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हो, वैदिक स्टफ पे रिसर्च कर रहा हो, हिंदुइज्म पे रिसर्च कर रहा हो। बट कोई ना, आई बी रिलीजिंग फ्यू वीडियोज जिसमें मैं ये बताऊँगा कि ओके, जो लोग इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि हमारे वेदास में ये है, हमारे हिंदुइज्म में ये है, वो है, साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रहे हैं, भाई एक बुक है, ठीक है, द टाइम ट्रैवल, नो आई थिंक द टाइम मशीन, या द टाइम मशीन, या द टाइम मशीन बुक, या एच जी वेल्स वाली, ये आई थिंक, या 1895 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को बताया गया है, ओके, और ये बुक टाइम को एज ए फोर्थ डायमेंशन की तरह ट्रीट करता है। कि इसका यह मतलब है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले जानता था कि टाइम फोर्थ डायमेंशन है। मतलब इसमें जिन चीज़ों के बारे में बातें की गई हैं वो प्योरली इमेजिनेटिव है, ठीक है, वो पूरी तरह से काल्पनिक है, फिक्शन जिसे कहते हैं। बट स्टिल इस बुक में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम साइंटिफिकली सही लगते हैं। तो जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत दो चीज़ों में संबंध है, इसका यह मतलब नहीं हो जाता कि दोनों सेम है, वो एक लॉजिकल फैलेसी बन जाता है। और अंतरिक्ष को हम पिछले 100 सालों में ज्यादा था, उन्हें मिथ कहा जाने लगा, और जो कभी मिथ कहलाया करते थे अब वो सच्चाई बन चुके हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ इसी का उदाहरण है, जिन्हें पहले प्राचीन कथाएं कहा जाता था, लेकिन आज उसी में विज्ञान को ज्यादा आधुनिक जानकारी मिल रही है। ऐसी ही थ्योरीज हैं मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम पैराडॉक्स। भाई, मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स से आई हैं, साइंस में ऐसा नहीं है कि हम कहानियां बना रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो रिलीज करा था जिसमें मैंने बताया था कि स्ट्रिंग थ्योरी कैसे मल्टीवर्स को प्रपोज करता है। एक्चुअली अगर आप मैथमेटिकली इन चीज़ों को देखो तो स्ट्रिंग थ्योरी में क्या होता है कि जब हम हाइयर डायमेंशन को कॉम्पैक्टिफाई करते हैं ना, तो स्ट्रिंग में बहुत सारे हाइपर प्लेन्स खुद ब खुद मैथमेटिक्स की वजह से आ जाते हैं, और हम इन्हीं हाइपर प्लेन्स पे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर डालकर एक मल्टीवर्सल थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ जो भी हो रहा है वो सब कुछ मैथ के बदौलत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम कल्पना कर रहे हैं। बट रही बात इन चीज़ों की, जिन्हें शब्दों के रूप में लिखा गया है, जिनके पीछे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, उन चीज़ों के बारे में तो हम यही कहेंगे ना कि ये भी द टाइम मशीन जैसे नॉवेल्स की तरह एक कल्पना है। देखो यार, मार्वल ने कॉमिक लिखा है, मार्वल कॉमिक के मुताबिक उनका पूरा मल्टीवर्स है, कैसे स्टार्ट हुआ था। इवन डीसी कॉमिक्स का ले लो, शुरुआत में जब डीसी यूनिवर्स में मल्टीवर्स का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर एक एंटी मॉनिटर था जो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, ब्ला ब्ला,
वहाँ पर एक मॉनिटर था। ऐसी स्टोरीज हमें हर जगह देखने को मिल जाएंगी, हर कल्चर में देखने को मिल जाएंगी, और वो थोड़ा बहुत हमारी रियलिटी से संबंध भी रखती है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम छोटे से कोरिलेशन को देखकर ये दावा करने लग जाएं कि दोनों बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, क्योंकि वो फिर वही लॉजिकल फैलसीज में चला जाएगा, फॉल्स कॉज फैलसी, जो ये कहता है कि आपने दो चीज़ों के बीच संबंध देखा और आपने कह दिया कि एक चीज़ दूसरे का कॉज है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसकी गूढ़ जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है, लेकिन इसे सच माना ही नहीं गया। लेकिन विज्ञान इस पर दोबारा विचार कर रहा है कि भाई देखो, विज्ञान इस पर दोबारा विचार नहीं कर रहा। एक्चुअली हम उन एक्चुअल फिजिकल थ्योरीज को स्टडी कर रहे हैं और वहां से ये चीजें हमें पता चल रही हैं। फिर यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि ओके भाई, हमारे हिंदुइज्म में ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ था और तुम अभी साइंस से इन चीज़ों के बारे में पता लगा रहे हो, तो तुम उधर क्यों मेहनत कर रहे हो, तुम इधर मेहनत करो, तुम्हें ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो उन्हें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई देख, साइंस मैथ का यूज करता है, इसका मतलब है कि हम साइंस में जिन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं उनका पॉसिबल एप्लीकेशन हो सकता है इंजीनियरिंग में, जो हमारे जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता है। विज्ञान का काम फैक्ट कलेक्ट करना नहीं है, विज्ञान का काम फैक्ट को वेरीफाई करना है, चेक करना है, और उन चीज़ों का यूज करके कुछ हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बनाना है। अगर आप फिलॉसफी जैसे चीज़ों की बात करते हो जो ये वर्ड सैलेड क्रिएट कर रहे हैं, आई नो, देखो फिलॉसफी तो फिजिक्स और मैथ्स का भी होता है, बट उस पार्ट में ये लोग कभी भी नहीं जाते, ये वर्ड सैलेड वाले फिलॉसफी में जाते हैं जिसके पास क्वांटिटेटिव पावर नहीं होता। और जिन चीज़ों के पास क्वांटिटेटिव पावर नहीं है, जिन चीज़ों का यूज करके हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जिन चीज़ों का यूज करके हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उनका यूज करके हम यूनिवर्स के ट्रू नेचर को कभी भी नहीं जान सकते। शब्दों का यूज करके कोई भी इंसान ये सेटिस्फैक्शन ले सकता है कि वो पूरे यूनिवर्स को जानता है, क्योंकि मैं भी आपको एक यूनिवर्स की थ्योरी दे सकता हूँ, लाइक इन द बिगिनिंग हमारा यूनिवर्स एक छोटे से बॉक्स में था, उस बॉक्स का साइज अराउंड प्लैंक लेंथ का था, फिर स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग हुई, जिस सिमेट्री ब्रेकिंग की वजह से एनर्जी का रिलीज हुआ, ये एनर्जी हमारे सभी स्मॉल डायमेंशन में से 3 स्मॉल डायमेंशन को डीप कॉम्पैक्टिफाई कर दिया बिकॉज ऑफ मॉड्यूलाई डिस्टेबलाइजेशन। ये स्टोरी सुनने में काफ़ी अच्छा है, क्या आप इस पर विश्वास करोगे? हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग थ्योरी में आता है एक जगह पर, बट ये मॉडल परफेक्ट नहीं है, इसमें भी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता, बट जो लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं वो इसका मैथमेटिक्स को पढ़कर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ओके, या कौन कौन से मैथमेटिकल प्रॉब्लम इस चीज़ में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसके सबूत मिलना शुरू हो गए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी हमारे ग्रंथों में कैसी दी गई है उसकी जानकारी देंगे। हाँ ठीक है भाई, अच्छा चलो देखते हैं क्या क्या जानकारी हमें मिलने वाली है, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा बिकॉज ये हमारा फर्स्ट डिबंक एंड रिव्यू टाइप्स वीडियो जो हम डायरेक्टली ऑन द फ्लो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 100 साल पहले ये किसी को नहीं पता था कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, लेकिन उसके बाद बिग बैंग थ्योरी सामने आई। इस थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना शून्य से हुई। भाई मतलब यार, मार ही डालो ना मेरे को, कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है। यूनिवर्स का फॉर्मेशन के बारे में बिग बैंग थ्योरी हमें कुछ भी नहीं बताता। ये सब मतलब इनका अलग ही चल रहा है, ये अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। लाइक गूगल पे गए, फैक्ट कलेक्ट कर लिया, एंड लाइक यो ब्रो, आई एम रियली कूल बिकॉज आई नो ऑल दिस स्टफ। क्या यार, मतलब जो मन में आ रहा है खुद बकते चले जा रहे हो। बिग बैंग थ्योरी सिर्फ हमें ये बताता है यूनिवर्स पास्ट में हॉट और डेंस स्टेट में था, एंड वहाँ से एवरीथिंग दैट वी नो ऑफ, मतलब जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि आज हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं, मैटर है, सोलर सिस्टम है और लाइफ भी है, इन सभी चीज़ जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम फील करते हैं, इनके जन्म के बारे में बिग बैंग थ्योरी बताता है। यूनिवर्स एज अ होल, लाइक क्वांटम फील्ड कहाँ से आया, स्पेस टाइम कहाँ से आया, इन चीज़ों के बारे में बिग बैंग थ्योरी नहीं कहता। बट यहाँ प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब रिलीजियस लोग या फिर वो लोग जिन्हें चीज़ों के बारे में सब कुछ नहीं मालूम, वो यहाँ पर स्लिपरी स्लोप लॉजिकल फैलेसी को कमिट करते हैं। वो देखते हैं बिग बैंग थ्योरी में बता रहा है कि चीज़ों का क्रिएशन कैसे हुआ, वो वहाँ पे चीज़ों वर्ड को भूल जाते हैं और क्रिएशन वर्ड को टारगेट करते हुए ये कहते हैं बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में है,
और पॉपुलर साइंस में तो ये काफ़ी ऑब्वियस भी है, क्योंकि इसे हमने कई जगह पर देखा है। इसके पीछे का राज ये कि पॉपुलर साइंस का काम है इस चीज़ को फेमस करना। लोग टीआरपी और अपने बुक्स को बिकवाना चाहते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्रीज में कोई चीज़ आ रही है तो इसका यह मतलब है अगर कोई डॉक्यूमेंट्री शो टीवी पर आ रहा है तो साधारण सी बात है उसे बनाने वाले जरूर चाहेंगे कि हमारी डॉक्यूमेंट्री का टीआरपी और भी इंक्रीज हो, तभी तो हमें पैसे मिलेंगे। और उसके लिए अगर वो ऐसी चीज़ी वर्ड्स डाल देते हैं जिसे लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे तो और भी ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है ना, क्योंकि अग्निव्रत जैसे लोग या फिर ये क्रिएटर इन चीज़ों को देखेंगे और बार बार देखेंगे, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फर्मेशन बायस क्लिक हो चुका है। वो जो मानते थे डॉक्यूमेंट्री वाले भी वैसा ही बता रहे हैं, तो इस शब्दों के साथ थोड़ा बहुत हेर फेर करके, क्योंकि इन्होंने ट्रूली उस चीज़ को समझा नहीं और वर्ड लेवल पर खेल रहे हैं, तो वर्ड लेवल में तो एक चीज़ को 10 तरह से समझना काफ़ी आसानी से पॉसिबल है, तो बिल्कुल यहाँ पर वही होता है। और ये लोग डॉक्यूमेंट्री वाले कुछ और बताना चाहते हैं, ये कुछ और समझ जाते हैं, कई बार तो डॉक्यूमेंट्री वाले ही गलत बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने खुद हॉकिंग रेडिएशन के एक्सप्लेनेशन को गलत तरह से हर जगह पब्लिशाइज किया या फिर लोगों को गलत तरह से बताया, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी बात है। बट मैं उन्हें ब्लेम कैसे दूँ, उन्हें तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम यूनिवर्स इन एनर्सल ऐसे बुक्स को बेचना है ना, क्योंकि ऐसे ही बुक्स की इनकम उनके फैमिली को सस्टेन करने वाली है। और दूसरी चीज़ें जो वी ऑल नो फाइनेंस का क्या रोल है हमारे लाइफ में, बट कोई ना आगे बढ़ते हैं। और ये एक्सपेंड हो रहा है, लगभग एक दशक पहले ही वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं है बल्कि हमारे ही ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड यहाँ मौजूद हैं। इसे ही मल्टीवर्स कहा जाता है। अब तक वैज्ञानिक पार्टिकल फ्यूजन से इसके संकेत पा चुके हैं लेकिन इसे समझ नहीं पाए हैं। भाई मल्टीवर्स के बारे में अभी हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है यार, एटलीस्ट फैक्ट चेक तो कर लिया कर अपने वीडियो को, और मेरे को ऊपर से गूगल भी नहीं करना पड़ा इस चीज़ को चेक करने के लिए। यार क्या बताऊँ, तुम तो गजब के प्लेयर हो। कि ये कैसे संभव होता है, ना ही वो बिग बैंग होने का कारक पता लगा पाए हैं मल्टीवर्स का। ओ भाई बिग बैंग होने का कारण हमें नहीं पता, क्या दुख की बात है। अबे यार तुम जाकर कोई मैथ्स की बुक उठाओ और ढंग से पढ़ो। बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, ठीक है। यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ था अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, स्ट्रिंग का एक मॉडल था, मैंने उसके पेपर को भी पढ़ा था। वो मोंटे कार्लो सिमुलेशन का यूज करके उस चीज़ के बारे में बता रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास डीप ब्रेन कॉस्मोलॉजी है जो कि काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है। यार इन चीज़ों को तुम पढ़ते नहीं हो, खुद से अपनी बातें बनाने लग जाते हो। और ये क्या, तुमने हिंदुइज्म के ऊपर वर्ड सैलेड को जो प्रेजेंट किया है इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है नहीं ना, तो ये तो उससे भी बहुत नीचे, क्योंकि एटलीस्ट स्ट्रिंग थ्योरी के पास एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, इसके पास वो भी नहीं है। अब लोग अपनी पर्सनल बायस की वजह से कितना नीचे जा सकते हैं इसके बारे में मैं क्या बताऊं यार, बहुत गंदा लगता है मुझे ये सब देखकर। जिक्र हमारे धर्म में कई बार किया गया है, सबसे आसान है श्रीमद् भागवत पुराण में, जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली तो वो उनकी लीला समझ ना पाए, तब श्री कृष्ण ने अरे भाई क्या बताऊं, सत्यार्थ प्रकाश वाले बुक तो ऐसा कहते हैं कि ये सब बुक में मिलावट की गई है ब्ला ब्ला, तो इन चीजों को ये एडवर्टाइज यहाँ पर कर रहे हैं। जितने भी हैं सब अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, कुछ कोई इनमें से कोई कुछ कहेगा, इनमें से कोई कुछ और कहेगा, इनमें से कोई कुछ और कहेगा, और सब सिर्फ शब्दों के साथ खेलेंगे। इनमें से किसी के भी पास प्योर मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है इन चीजों के ऊपर, और ऐसे लोगों को हम सीरियसली ले रहे हैं भाई। कहना क्या, करना क्या चाहते हो। यार हम जो दिन भर करीब 18 घंटे मैथ्स को लेकर पढ़ा करते थे, स्ट्रिंग थ्योरी की बुक को एंड करने में हमें कितने समय लग गए, ग्रेविटेशन नाम की बुक जिसे MTW ने लिखा है उसे पढ़ने में मुझे कितना समय लग गया यार। ये 1500-1500 वर्ड्स के बुक को सॉरी ये 1500-1500 पेजेस के बुक को पढ़ना आसान है क्या, ऊपर से इनमें मैथ्स है, मैथ्स को समझना, क्रॉस चेक करना कि यार कहीं टाइपो तो नहीं है, प्लस हमारे जैसे लॉन्डे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं और खुद से पढ़ रहे हैं, तो हमें हर स्टेप को वेरीफाई करना पड़ता है कि या हम गलत समझ रहे हैं या फिर बुक में टाइपो है, क्योंकि टाइपो वाला पॉसिबिलिटी तो बहुत बड़ा है ना। अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हो मैथ वाले तो आपको नहीं पता, क्योंकि कई बार ऐसा हमने अपने जीवन में खुद फील किया है क्लास 9th-10th में कि बुक का दिया हुआ आंसर गलत होता है, तो वैसे हमें एटलीस्ट उस लेवल पे श्योरिटी चाहिए कि नहीं बुक में जो लिखा है वो 100% सही है। और ये एफर्टलेस नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा दिमाग खाता है,
और वहीं हमें जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो लगता है कि क्या यार, मतलब तुम अपना ही चला रहे हो कुछ, तुमने अपना ही कचरा फैला रखा है, तुमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं ढंग से और बस यहाँ पर आ गए कि नहीं यार यूनिवर्स का ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, हमारे हिंदुइज्म में सब लिखा है। भाई मैं हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा, कुरान वाले तो और भी अलग ही चले जाते हैं, प्लस उनके ऊपर मैं तो भाई नहीं बोलूंगा यार, क्योंकि इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। अखो ब्रह्मा को वहां बुला लिया, कई ब्रह्मा के सैकड़ों सर थे, तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आप इस ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं लेकिन सृष्टि विशाल है जो आपकी समझ से भी परे है। हाँ भाई सृष्टि विशाल है आपकी समझ से भी परे, भाई मैथमेटिक्स का नाम सुना है वो तुम्हारी समझ से परे है। यहाँ पर एक ही ब्रह्मांड नहीं बल्कि कई ब्रह्मांड हैं। मैं इस ब्रह्मांड में ही कई अवतार लेता हूँ, इसी तरह मैं इन ब्रह्मांडों में भी अवतरित होता ही रहता हूँ। नाइस, मतलब यार देखो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये सब काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स है, ये सब काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं कभी भी इस चीज का क्लेम नहीं करता कि वेदास इज लाइक बुलशिट और समथिंग लाइक दैट, उसमें यार बहुत अच्छे अच्छे फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है, प्लस वे ऑफ लाइफ लाइक हमें जीना कैसे है, मोरालिटी, इन चीजों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं। मैंने जब खुद सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा था तो उसमें मुझे एक स्टफ मिला था ड्रीम के बारे में, वो आर्ग्यूमेंट जो वहां पर लिखा हुआ था मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो ऐसे चीजें मुझे भी पसंद है, ठीक है, बट मैं उन चीजों को लेकर ये नहीं कहता कि यार इसमें साइंस है, ठीक है, वो सभी चीजें करना वो गलत है, और मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें उसी से होता है। आपको वेदास पढ़ना है, आपको रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ना है, पढ़ो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनमें साइंस है इसका क्लेम मत करो, क्योंकि तुम्हें साइंस क्या है इसका मतलब भी ढंग से नहीं पता, और तुम आ जाते हो क्लेम करने की इन चीजों में साइंस है, मतलब यार तुम क्या बताऊं, फिर अभी तक वीडियो में इतना बिचिंग तो कर ही चुका। हर ब्रह्मांड का समय और नियम अलग होता है, पश्चिमी वैज्ञानिकों ने आज पता लगाया है कि यहाँ मल्टीवर्स है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इसे हजारों साल पहले बताया जा चुका है। भाई फिक्शन, हमारे इस बिग बैंग थ्योरी से पहले आया था क्या नाम है, या द टाइम मशीन बुक, उसमें ऑलरेडी टाइम ट्रैवल वगैरह के बारे में बताया गया था। फिर अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें तो स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में तुम्हें ढंग से पता ही नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि स्ट्रिंग थ्योरी पहले स्प्रिंग थ्योरी के रूप में सोचा जाता था, लोग उसे स्ट्रिंग नहीं स्प्रिंग के तरह सोचते थे। ये बात ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता होगी क्योंकि तुमने इस चीज के मैथ को कभी देखा ही नहीं है। इसी तरह है पैरेलल यूनिवर्स जिसकी पॉसिबिलिटी को भी माना जा रहा है। देख भाई पॉसिबिलिटीज माना जा रहा है बट हम इसे ट्रू होने के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो इफ एनीथिंग तुम्हारा ये वीडियो बता रहा है कि ऐसे थॉट प्रोसेसेस जो आज हमारे फिजिसिस्ट के पास आ रहे हैं वो तुम्हारे वैदिक रेस्मिक या फिर हिंदुइज्म से रिलेटेड बुक्स में ये ऑलरेडी प्रेजेंट थे, दैट्स अ रियली गुड थिंग, बट उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, वो किसी मैथमेटिकल आइडिया के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसलिए इन्हें जरूरी नहीं कि हम सभी सीरियस ले लें। बट या ये चीजें अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसी चीजें हमारे पास्ट में लोग सोच पा रहे थे, या फिर ये काफ़ी अच्छी बात है कि पास्ट में इंडियंस की क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, विच मीन्स हमें इन बुक्स में कुछ ऐसे वाइल्ड आइडियाज़ मिल सकते हैं जिनका यूज करके हम कुछ अच्छे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को कर सकते हैं। बट स्टिल यहाँ इसका यह मतलब नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के इसमें चले जाएं और इस चीज़ में साइंस रखा हुआ है, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडिया। जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक आइडिया ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड को स्पेस टाइम बना देते हैं और स्पेस टाइम का कर्वेचर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करेगा। तो ये छोटे से आइडिया पर पूरा जीआर बेस्ड है। बिल्कुल वैसे ही कोई छोटा सा आइडिया अगर हमें कहीं और से मिल जाता है जिसे हम मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो या उसका एक पॉसिबल थ्योरी में डेवलप होना पॉसिबल है, बट पूरा का पूरा थ्योरी का मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना मैथमेटिक्स हमें बहुत सी चीज़ों को बताता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है तो आप इन चीज़ों पर क्लेम मत करो। स्ट्रिंग थ्योरी में इसके होने के सबूत मिलते हैं लेकिन इसे समझा नहीं जा पाया है। भाई स्ट्रिंग थ्योरी में अगर इस चीज़ का क्लेम है ना तो उसे ऑलरेडी काफ़ी हद तक समझा जा चुका है। जहाँ प्रॉब्लम होती है वो मैथमेटिक्स से जुड़ा होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और इसे नॉन परटर्बेटिवली यानी कि एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व कर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भाई तुम्हें तो ढंग से पता भी नहीं होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है,
हाइपरबोलिसिटी क्या होता है, एलिप्टिसिटी क्या होता है, तो इन चीजों को तुम कैसे समझोगे? बस यहाँ पर शब्द बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाना तो काफी आसान है। प्लस हम भारत में रहने वाले लोग काफी ज्यादा गलेबल हैं, हमें कोई भी आकर बेवकूफ बनाकर चला जाता है क्योंकि हम हमेशा फैक्ट चेक करते नहीं। ऊपर से ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इनके बारे में आपको गूगल पे जल्दी मिलेगा भी नहीं, जो मिलेगा वो आपको पोस्ट या फिर ब्लॉग्स ऐसे चीजों को देखकर आप और भी ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। लेकिन इसका जिक्र भी हमारे ग्रंथों में मिलता है। जब श्री राम का धरती लोक छोड़ने का समय आया तब हनुमान जी ऐसा होने ना देते। तब श्री राम ने एक अंगूठी को फर्श के एक छेद में गिरा दिया। हनुमान जी उसे ढूंढने आकार छोटा करके वहां गए। वो नागलोक का द्वार था। देख भाई, यहीं पे है हमारा एंटमैन। देख यार कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब जिस चीज के बारे में आज मार्वल कॉमिक में लिख रहा है वो चीज हमारे हिंदुइज्म के बुक में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल था। तो या इस चीज के बारे में तुम वो हो सकते हो, क्या कहते हैं, प्राउड। जब हनुमान जी नागलोक पहुंचे तो वहां लाखों की प्लस एंटमैन को डिवाइस की जरूरत पड़ती थी। हमारे हनुमान जी तो अपने फ्री विल के हिसाब से अपने साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ कूल इज दैट? क्या मैं अंगूठियों का ढेर लगा था? सारी ही अंगूठियां श्री राम की अंगूठी जैसी लग रही थी। वहां पर नागराज वासुकी से पूछने पर उन्होंने कहा यह सारी अंगूठियां श्री राम की ही हैं। यहां पर जब भी हनुमान आते हैं ऊपर श्री राम देह त्याग कर देते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर हमारे ब्रह्मांड की तरह ही कई समानांतर ब्रह्मांड हैं, जहाँ पर लगभग हमारे ब्रह्मांड जैसा होता है। जीवन के मोड़ का निर्णय अलग ब्रह्मांड का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आदमी समय यात्रा करके अपने पिता को मार देता है तो उसका जन्म होगा ही नहीं। यह एक अजीब पैराडॉक्स होगा, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस स्थिति में अलग ब्रह्मांड के समय का निर्माण होगा जहाँ इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने अपने पिता को अलग ब्रह्मांड में मारा होगा। भाई इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है इसके बारे में लोग कई सालों से उलझ रहे थे। उसके आर्गुमेंट ऑलरेडी हमारे पुराण एंड इन सभी बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो या फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कभी इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करा। प्लस ये पॉइंट वापस से फैक्ट चेक को डिमांड करता है, ठीक है। बट एनीवेज हम इस चीज को फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं क्योंकि ये किसी तरह से साइंटिफिक क्लेम नहीं है। रही दूसरी बात, तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इस वजह से होता है क्योंकि उन्होंने टाइम लूप के कॉन्सेप्ट को क्रिटिकली नहीं लिया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भले ही हमें टाइम ट्रैवल के बारे में बताती हो बट वो ये कहती है कि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जीआर एक क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल फिजिक्स प्योरली डिटर्मिनिस्टिक होता है, इस वजह से वहाँ पर आप पास्ट को चेंज कर सको ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लस वहाँ जो टाइम ट्रैवल वाले पॉसिबिलिटीज आते हैं वो टाइम लूप होता है, मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, तो आप ऑलरेडी उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते थे। रही दूसरी बात, तो ये क्या नाम है, या मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन खुद कहता है कि एवरी टाइम यू मेक समथिंग, लाइक तुमने डिसीजन लिया कि तुम टाइम ट्रैवल करके दूसरे यूनिवर्स में जाओगे, तो जिस मोमेंट पे तुम टाइम ट्रैवल करते हो उसी मोमेंट हमारा यूनिवर्स सेपरेट हो जाता है और तुम टाइम ट्रैवल करके दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हो। वहां पर तुम अपने ग्रैंडफादर को मारो ना मारो, इट डजंट मैटर बिकॉज इट्स अ डिफरेंट यूनिवर्स। और जिस यूनिवर्स से तुम आए थे उस यूनिवर्स में तुम गायब हो जाओगे बट तुम्हारे ग्रैंडफादर और उनकी मेमोरीज रहेंगी। बट जिस यूनिवर्स में तुमने ग्रैंडफादर को मर्डर किया है उस यूनिवर्स में तुम्हारा जन्म नहीं होगा बट तुम्हारे ग्रैंडफादर के डेथ की हिस्ट्री पूरी तरह से इनकोडेड होगी। इसी तरह है समय, जिसे 100 साल पहले एक रफ्तार से चलता माना जाता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि अलग जगह पर समय की रफ्तार अलग होती है। यार दिस इज प्रीटी मच ट्रू, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें यह बताया था कि टाइम का फ्लो मटेरियल पर डिपेंड करता है। मतलब मटेरियल के पास मास है तो ऑब्वियसली वो स्पेस टाइम को कर्व करेगा, तो उसकी वजह से टाइम का फ्लो भी चेंज होता रहेगा। प्लस दैट्स नॉट द ओनली थिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया था कि टाइम का फ्लो कर्वेचर और हमारी स्पीड दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन आज वैज्ञानिक सिर्फ इसे मानते ही नहीं बल्कि साबित भी कर सकते हैं कि रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचकर समय धीमा होने लगता है। हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र कई बार मिलता है। ब्रह्मलोक और धरती लोक का समय अलग अलग होता है। ब्रह्मलोक के कुछ क्षण धरती लोक के सालों के बराबर होते हैं। यह तो वो कुछ थ्योरीज हैं जो अब विज्ञान समझ रहा है। भाई वो फिक्शन था, ठीक है, उन चीजों के पीछे मैथमेटिक्स नहीं था, उन चीजों के पीछे एक्सप्लेनेशन भी नहीं था।
साइंस फैक्ट का कलेक्शन नहीं है, साइंस चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिस चीज़ को दिया उसके पीछे साउंड मैथमेटिक्स है, बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स है, और वो इस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव कर सकता है। बट तुम्हारे वैदिक स्टफ या तुम्हारे हिंदुइज्म से रिलेटेड स्टफ या हमारे हिंदुइज्म से रिलेटेड स्टफ, ये इन चीज़ों को मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, भले ही कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हों, इसका ये मतलब नहीं कि दोनों सेम है। साइंस अलग है, साइंस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बैठता है, बट वहीं रिलीजन या हिंदुइज्म से रिलेटेड स्टफ ये फेथ के ऊपर बैठते हैं। तो इन दोनों के बीच कोरिलेशन खोजना ये नासमझी है मेरे दोस्त। अभी भी कई ऐसी थ्योरीज हैं जो विज्ञान की पहुंच से बाहर हैं। बहुत से थ्योरीज हैं जो विज्ञान के पहुंच से बाहर हैं। नाइस वन भाई। साइंस उन चीज़ों पे बिलीव करता है जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग थ्योरी अभी प्योर साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, वो अभी एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। जब वो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट को पार कर जाएगा उसके बाद हम उसे प्योर थ्योरी के रूप में ट्रीट करेंगे। इस वक्त वो बस एक हाइपोथेसिस है जो हमें यह बताता है कि क्या हो सकता है, अनलाइक योर रिलीजियस स्टफ जिस पे हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। यार मुझे यही समझ नहीं आता, लोग आखिर इतना डेस्परेट क्यों हैं कि वो रिलीजियस स्टफ को साइंटिफिक प्रूव करके ही रहें। हमारी वैलिडिटी तुम्हें क्यों चाहिए? तुम इतना इनसिक्योर हो क्या? अगर नहीं तो इन चीज़ों को मिक्स ही मत करो ना, वो तुम्हारी फेथ है, तुम अपना उसे साइड रखो। आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम एनीथिंग लाइक नहीं ये गॉड नहीं है ब्ला ब्ला। मेरा मकसद ये है कि तुम गॉड से रिलेटेड क्लेम साइंस में मत करो कि हाँ साइंस इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, देयरफॉर गॉड, उसे हम गॉड ऑफ गैप कहते हैं, और गॉड ऑफ गैप रिसर्च के साथ छोटा होता चला जाता है। तो ऑब्वियसली एक समय आएगा जब तुम्हारा गॉड ऑफ गैप पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ऐसे आर्गुमेंट का यूज करके हम गॉड के कॉन्सेप्ट वगैरह को प्रूफ नहीं करते। प्लस बहुत से चैनल ने ऑलरेडी इस चीज को डिबंक कर रखा है। जिसे हम प्राचीन धर्म ग्रंथ कहते हैं, असल में वो आधुनिक विज्ञान के स्रोत हैं। भाई आधुनिक विज्ञान के स्रोत, तूने कभी भी जीआर पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, कैरल का बुक है, ठीक है, उठाकर ढंग से पढ़ना। उसमें तेरे को साउंड लॉजिक मिलेगा, बहुत ही सुंदर लॉजिक मिलेगा किस तरह से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके सारे प्रेडिक्शन आते हैं, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि ओके स्पेस टाइम हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, उन्हें इस चीज़ के छोटे छोटे लॉजिक मिल रहे थे, उन चीज़ों को पकड़ के उन्होंने इस चीज़ को सोचा। फिर उन्होंने देखा कि अगर स्पेस टाइम का कर्वेचर ग्रेविटी है तो साधारण सी बात है, हमें कर्वेचर रिलेटेड कोई क्वांटिटी चाहिए जो स्केलर हो, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन पे आधारित है, और उसके लिए हमें एक स्केलर कर्वेचर क्वांटिटी की ज़रूरत थी। उन्होंने उस क्वांटिटी को लिया और उसे जैसे ही एक्सट्रीमाइज किया हमें जीआर का इक्वेशन मिला। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें टाइम डायलेशन और दूसरी चीज़ें मिलती हैं। भाई तुम्हें इसमें कहां से दिख रहा है कि वेदास या वैदिक स्टफ यहां पर आया है? मतलब यार अपने मन से जो तुम्हारे मन में आता है तुम बोलते चले जाओगे। रही बात स्ट्रिंग थ्योरी की, तो स्ट्रिंग थ्योरी में हमें क्लासिकल स्ट्रिंग के एक्शन को लिखते हैं और उसके बाद उसे पाथ इंटीग्रल अप्रोच में डालकर स्टडी करना शुरू कर देते हैं। भाई यार मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा लगता है इन चीज़ों को देखकर। हमने इन चीज़ों को अपने इमेजिनेशन से बनाया, ठीक है, तुम्हारे वैदिक स्टफ वगैरह रिलीजियस बुक से चोरी नहीं करा है, हमारे पास साउंड मैथमेटिक्स है। यार ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टिंग है हमारे साइंटिस्ट के लिए जो 24 घंटे में से 18 घंटे 19 घंटे पढ़ते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, और उसके बाद क्या भाई, तूने जो इतना घंटे मेहनत करके प्राप्त किया वो हमारे वैदिक स्टफ में लिखा है। भाई साइंस का काम फैक्ट कलेक्ट करना नहीं है, उसके पीछे का मैथमेटिक्स देना है। कई लोग कहते हैं ना न्यूटन ने भास्कराचार्य से ग्रेविटेशन को चोरी किया था। भाई आई बिलीव कि इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कि यूनिवर्स में चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं ये पहले से था। इवन रूमी नाम का कोई पोएट है जो ये मानता था कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, और वो अट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है? ही बिलीव्ड इट वॉज लव। तो हम शब्दों में हेरा फेरी करके कह सकते हैं कि भाई ही वॉज एक्चुअली रेफरिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और कह दें कि भाई रूमी सब कुछ जानता था। अगर ये बकचोदी नहीं है तो क्या है? यार मेरे को गाली वगैरह देना यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, बट बकचोदी इज अ वर्ड दैट हैज बिकम क्वाइट कॉमन, और इसे आजकल कोई अब्यूसिव कंसिडर नहीं करता। इफ यू डू देन आप इस सेक्शन को मत देखना। एनीवेज यार मेरे को बहुत गंदा लगता है जब ऐसे लोग इन चीज़ों के बारे में क्लेम करते हैं और इन्हें बेसिक चीज़ों के बारे में भी नहीं पता है। दैट्स वाई वी आर हेयर, ठीक है। हम यूट्यूब पे पहले चैनल बनना चाहते हैं
जिन्हें इन चीज़ों के बारे में एक्चुअली पता हो और वो ऐसे वीडियोस को काफ़ी इजीली डिबंक कर सकें, जिसे गहराई से समझे जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही धार्मिक ज्ञान को मॉडर्न फिलॉसफी से देखना पसंद है। भाई, अब तूने यहाँ पर मॉडर्न फिलॉसफी बोल दिया यार, मतलब सही में तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो, या फिर तुम्हारे चॉइस ऑफ वर्ड कितने हुए गए। अगर मैं तुम्हारे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर अटैक करूँ तो तुम उसका मीनिंग बदल के कुछ और बता दोगे, यही मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। बट कोई ना, तुम्हारी मर्जी। बट या ये चैनल काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है और इसे साइंस के बारे में ढंग से कुछ भी नहीं मालूम, तो प्लीज़ गाइज इस पे आप बिलीव मत करना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, जय हिंद। और भाई प्लीज़ यार, क्या नाम है, पुनीत स्वाइस और समथिंग लाइक दैट, कॉपीराइट मत देना, ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है। अगर तुम हमारी इस वीडियो से डिसएग्री करते हो तो काउंटर बनाओ, ये कॉपीराइट देके हमें शट डाउन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम डायरेक्टली हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक कर रहे हो। तुम्हारी इस वीडियो में मेरे को साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं मिले, ये बस एक प्रोपेगेंडा है और उस चीज़ को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाला। तो ऐसे में आप कॉपीराइट देके जरूर मुझे साइलेंट करने की कोशिश करोगे, और देखना लाइकली जैसे मैंने फैक्टेज पे वीडियो बनाया था तो मुझे कॉपीराइट आया था, इस पे भी कॉपीराइट बहुत ज़्यादा चांस है कि आएगा।